गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ मौसमी और आप लोग देख रहे हो माय लाइफ माय जर्नी। आप सभी को मेरे और एक ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हैं सुरक्षित हैं, हम लोग भी ठीक है। आज का दिन है मंडे और अभी सुबह का 7:30 हो रहा था टाइम। अभी से ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और बेटू को देखिए सुबह सुबह कितना स्माइल कर रहा था और मुझे बहुत प्यार कर रहा था। तो चलिए अभी बिस्तर से उठते हैं। उठने के बाद जो है मैंने फ्रेश हो गया था और मैंने आज ब्लॉग को जो है थोड़ा सा अलग टाइप से स्टार्ट किया है। हर डेली तो मैं ऐसा वैसा काम करते करते स्टार्ट करती हूँ, बट आज जो है बिस्तर से ही मुझे स्टार्ट करने का मन किया और अब लोगों से जो है सुबह सुबह बहुत बातें करने का मन किया था, तो सुबह ही स्टार्ट कर दिया मैंने। और उठने के बाद फ्रेश होकर मैं आ गई थी किचन पे और किचन को मैंने पहले क्लीन कर लिया था। उसके बाद बेटू के लिए यहाँ पर जो है मैंने बना दी थी कॉफ़ी, तो उसको आज जो है कॉफ़ी पीना है, तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। और एक साइड जो है कुकर मैंने ऐसे ही जोड़ चबा के रखा था, इसमें कुछ हो नहीं रहा था, ऐसे ही रखा था मैंने। तो देखिए यहाँ पर जो है दूध गर्म हो गया था और सब लोग फ्रेश हो गया था उठ के। तो चलिए अभी इसके लिए मैंने कॉफ़ी बना देती हूँ। तो दूध पे जो है मैं चीनी पहले से ऐड कर दिया था और कॉफ़ी पाउडर दे दिया है, तो अभी उसके लिए मैंने ठंडा कर देती हूँ, नहीं तो वो गर्म गर्म नहीं पी पाएगा। तो हम लोगों के लिए जो है मैंने चाय बनाया था और उनके लिए कॉफ़ी। तो देखिए हम लोगों का यही है ब्रेकफास्ट आज का, चाय कॉफ़ी और उसके साथ मुड़मुड़ा। तो आज जो है ब्रेकफास्ट मैंने कुछ बनाया नहीं था, बहुत दिन बाद तो ब्रेकफास्ट में जो है हम लोग ऐसे मुड़मुड़ा खा रहे हैं कॉफ़ी सॉरी चाय के साथ। और ब्रेकफास्ट के बाद तो मैं आ गई थी सीधा बिस्तर वगैरह क्लीन करने के लिए और पोते देवा गया था मार्केट। तो आज जो है दोनों का ही छुट्टी है, बेटू का भी स्कूल भी ऑफ है और साथ ही साथ जो है पोते देवा का छुट्टी है, तो उसका जो है अभी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो 2 दिन जो है घर पर काम होगा और बाकी 4 दिन जो है ड्यूटी जाना पड़ेगा, तो इसीलिए सब लोग के घर पे था। और वेदर जो है आज बहुत ही ख़राब है क्योंकि एक थोड़ा सा भी धूप नहीं है बाहर। और ये ना बेडशीट वगैरह मैंने काल धोया था, तो काल बेटू ना एक कांट कर दिया था, तो बिस्तर के ऊपर जो है दूध गिरा दिया था, तो इसके लिए बेडशीट और पीलो कवर जो भी है सब कुछ धोना पड़ा था। और ऊपर मतलब नीचे जो गड्ढा मैट्रेस है ना उसके ऊपर मैं और एक बेडशीट बिछा के रखती हूँ, तो वो भी मुझे धोना पड़ा था। तो चलिए अभी ये फटाफट क्लीन कर लेते हैं। और बिस्तर तो मैंने पहले ही क्लीन कर दिया है, तो ये एक टंक है मेरा, तो इसके अंदर जो है बेडशीट वगैरह मैं रखती हूँ और स्पेशली जो है विंटर का स्वेटर वगैरह रखती हूँ। तो मेरा अलमीरा जो है वो छोटा सा है, तो उसके अंदर सब कुछ आते नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर रखती हूँ। और देखिए पोते देवा भी मार्केट से आ गया था, तो यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह लेके आया था और साथ ही साथ जो है चीनी मैगी चाय पत्ती और कुछ सोप वगैरह और थोड़ा सा छोटा वाला एक ऑयल लेके आया था। तो देखिए मैं ये फेस भी लेके आया था, तो फेस जो है अभी मैं क्लीन कर लूँगी फटाफट। और आज जो है लंच पे मैं खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि वेदर जो है बिल्कुल ही ख़राब है, मतलब लगता है कि बारिश भी होगा, तो बिल्कुल भी धूप में नहीं है। और इस वेदर में तो खिचड़ी खाना बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली विंटर में जो है खिचड़ी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए फेस यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया था, उसके बाद जो है खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया था, तो सब वेजिटेबल्स वगैरह काट कर दिया था। और साथ ही साथ जो है मूंग दाल को मैं भिगो के रखी थी थोड़ा सा फ्राई करके, और गोविंद भोग राइस जो था वो भी भिगो के रखी थी। और यहाँ पर देखिए फिश फ्राई मैंने कर लिया था और उसके साथ साथ जो है बैगन भरता बनेगा, तो बैगन भी मैंने रेडी कर लिया था। और अभी जो है खिचड़ी बना रही हूँ, तो खिचड़ी का रेसिपी जो है मैं डिटेल सब लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, तो पहले जो है जैसे बनाती हूँ गरम मसाला ऑयल में देके उसके बाद जो है मसाला को भून लिया था। और अभी देखिए यहाँ पर जो है पहले मैंने मूंग दाल ऐड कर दी, सॉरी पहले जो है सब्जी वगैरह मैंने अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मूंग दाल और राइस में जो भिगो के रखी थी मैंने ऐड कर दिया है। तो थोड़ी देर इसे जो है पानी देके बॉयल करना है, और थोड़ा सा मैंने गैस का फ्लेम जो है मीडियम करके रखा था। और ये देखिए लंच हमारा बन के हो गया है रेडी, खिचड़ी और उसके साथ फिश करी और बेगन भरता। तो चलिए अभी आप लोग भी आ जाइए इस मौसम में गर्मा गर्म खिचड़ी खाने के लिए। तो अभी चलिए फटाफट जो है बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं क्योंकि सुबह से जो है काप वगैरह ऐसे ही पड़ा था, मैंने धोया भी नहीं था, तो आज ज़्यादा मतलब ब्रेकफास्ट तो हैवी नहीं किया था, इसलिए जल्दी जल्दी जो है मैंने लंच पका लिया था और मुड़मुड़ा थोड़ा सा ही खाया था, तो बहुत ही भूख लग रहा था। तो चलिए अभी ये सब क्लीन कर लेते हैं, फिर जो है आप लोगों के साथ मैं इवनिंग में मिलती हूँ। Thank you.
गाइस गुड इवनिंग। तो आप लोगों से मैं इवनिंग में मिल रही हूँ। तो इवनिंग का 7:30 हो रहा था अभी टाइम, और दोपहर में खाना खाने के बाद जो है कोई व्लॉग नहीं शूट किया था। तो अभी हम दोनों बैठ के कर रहे थे बहुत एक ज़रूरी काम। तो ज़रूरी काम ये है कि आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये जो येलो वाला बॉक्स है इसके अंदर कुछ होम्योपैथी मेडिसिन थे, तो वो ना मैंने किचन में रखती थी कबर्ड के अंदर। तो वैसे देख रही थी एक महीना से कि मेडिसिन वगैरह जो है ख़राब होते जा रहे थे, तो हम लोग को पता ही नहीं था कि किचन में जो है मेडिसिन वगैरह रखने से ख़राब हो जाते हैं। तो आज एक बहुत अच्छा चीज़ जानने को मिला है हम लोगों को, तो इसलिए जो है इसका बॉक्स हम लोगों ने चेंज कर दिया है और अभी जो है हम बेडरूम में रखेंगे। तो बहुत मतलब दिन से हम ऐसे ही मेडिसिन ख़राब होते जा रहे थे बट पता नहीं चल रहा था। बट आज जो है घर से फ़ोन किया था अपनी मम्मी, तो उन्होंने ही बताया कि मेडिसिन वगैरह किचन में रखने से ख़राब हो जाते हैं, गैस का जो आँच होते हैं ना तो उसी से ही। तो इसीलिए हम लोग जगह जो है चेंज कर दिया है। तो चलिए अभी शायद अच्छा रहेगा मेडिसिन वगैरह, और होम्योपैथी के साथ साथ जो एलोपैथी का मेडिसिन है वो भी हम लोगों ने मतलब बॉक्स के अंदर रख के बेडरूम में ही रख दिया है। तो चलिए अभी मैं आ गई थी फिर से किचन पे, तो अभी बनाना है रात का खाना। तो आज रात पे खाने के रोटी बनेगा और उसके साथ जो है फूलगोभी आलू दे के एक सब्जी बनेगा। तो रोटी हमारा बन के रेडी हो गया था और सब्जी भी। तो यहाँ पर जो है गुड़ का रसगुल्ला बोलते थे लेके आया था, और विंटर के मौसम में गुड़ का रसगुल्ला नहीं खाए तो क्या खाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यही है हमारा आज का डिनर, रोटी उसके साथ फूलगोभी आलू का सब्जी और गुड़ का रसगुल्ला। तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं डिनर और आज का ब्लॉग यही ओरिएंट करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड नाइट एवरीवन।